नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा किसी का भी फ्रेंड्स का, पार्टिकुलर फ्रेंड्स का, कोई भी फ्रेंड्स का आपको कॉल डिटेल्स है जो कि उसको डिलीट करना है, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें एंड कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर बताएं कि फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह आप किसी का भी कॉल हिस्ट्री को आप हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। एक्चुअली में कई बार होता है कि आप फ्रेंड्स कि आप किसी फ्रेंड का आप चाहते हैं कि उसका कॉल डिटेल्स पूरा का पूरा डिलीट कर दें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर उस कॉल डिटेल्स को आप अगर डिलीट नहीं करते हैं फ्रेंड, तो आप जितना दिन जब से उस फ्रेंड से आप बात किए हैं जब तक उस फ्रेंड का कॉल हिस्ट्री आपके फ़ोन में रहता है फ्रेंड, तो उस कॉल हिस्ट्री को आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको फ़ोन डायलर पेड में चलना होगा फ्रेंड। तो देखिए, मैं अपने फ़ोन डायलर में आ जाता हूँ। फ़ोन डायलर में आने के बाद फ्रेंड्स, अब जिस भी फ्रेंड का आप चाहते हैं कि उसका कॉल हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो उसका कॉल हिस्ट्री आप बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए मैं इस फ्रेंड का कॉल हिस्ट्री मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उस फ्रेंड के ऊपर क्लिक किया हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर आई वाले आइकॉन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड। तो मैं देखिए, एक्चुअली मैं सैमसंग के फ़ोन में यूज कर रहा हूँ, ये कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाह रहा हूँ। एमआई के फ़ोन में थोड़ा सा सेटिंग उसका चेंज है, बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताइएगा, क्योंकि अगर उसमें आपको पता नहीं लग रहा है या अदर मोबाइल में आपको पता नहीं लग रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपको उस मोबाइल में भी कर मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आई वाले अकाउंट पे आपको गए फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स देखे यहाँ पे मैं आई वाले अकाउंट पे जाता हूँ फ्रेंड्स। आई वाले अकाउंट पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखे, यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, शेयर करने का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो कि आप इस पूरे कॉल हिस्ट्री को फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ जीमेल पे, फ्रेंड के व्हाट्सअप पे, एक जेंडर से कहीं भी पूरा कॉल हिस्ट्री को आप शेयर कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस कॉल हिस्ट्री को पूरा का पूरा आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स आपको मोर वाले ऑप्शन पे आना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, आप यहाँ से इसको इस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर इस कॉल हिस्ट्री को आप बहुत ही आसानी से पूरा हिस्ट्री को आप डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस कॉल हिस्ट्री को, मैं ए टू जेड कॉल हिस्ट्री को यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे कॉल हिस्ट्री इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा इसका कॉल हिस्ट्री है जो कि यहाँ पे डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कॉल हिस्ट्री है जो कि मैं उस पर जैसे ही क्लिक किया, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया जो कि आप किस किस कॉल हिस्ट्री को आप चाहते हैं, कौन कौन सा ऐसा दिन है जिसका आप कॉल हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें कितना जितना दिन से मैं इस नंबर पर कॉल किया हूँ, सारा का सारा यहाँ पर डिटेल्स में, यहाँ पर कितना बजे मैं कॉल किया हूँ, सारा का सारा यहाँ पर शो कर रहा है फ्रेंड। तो इसके मैं ऑल वाले ऑप्शन पर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, सबसे नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ये आ गया फ्रेंड। तब मैं इसको अगर मैं जितने भी मैं सिलेक्ट किया हूँ फ्रेंड, जो कि ऑल पे मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ, तब मेरा सारा का सारा इस पे है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 308 बार मैं इस पे कॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड। तो अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इसको पर, इस नंबर को मैं यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो कि मैं जितने उस नंबर पे कॉल किया था उस सारा का सारा हिस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया फ्रेंड। तो आप भी अगर चाहते हैं किसी फ्रेंड का या किसी भी पार्टिकुलर नंबर का आप चाहते हैं कि उसका कॉल हिस्ट्री ए टू जेड डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जो कि इस छोटे से सेटिंग के बारे में, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे फ्रेंड्स कि जो कि इस सेटिंग के बारे में जानते भी थे, और बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड हैं फ्रेंड्स जो कि इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते थे। तो अगर आपको नहीं जानते थे मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, अगर जानते थे तो बहुत ही अच्छी बात है, जानते थे तो भी कॉमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर नहीं जानते थे तो भी आप कॉमेंट्स बॉक्स में मेरे को लिख कर जरूर बताइए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।